देखिए गुरु भाई गुरु बहना, मेरा नाम है लंझारू जी और बहुत एक दुखिया थे हम, बहुत दुख के मारल हैं। हमारा भी गुरु पर विश्वास नहीं था शुरू शुरू, हम भी बड़ा मजाक उड़ाए, लेकिन जब गुरु में हम अपना लगन में ला गए, गुरु से दया मांगने लगे, हमको गुरु दया देने लगे, तो हमको सुरहो आना विश्वास होने लगा। और देखिए हम भजन गा के डाले हैं पूरा तमाम वीडियो द्वारा, लोग देखा है, लोग हमारे भजन का साक्षी किए, बहुत खुश है लोग। इसी से हम सोचे कि जब लोग हमारा भजन के लोग लाइक किए, तो हम सोचे कि अपना जो हमको गुरु दया किए हैं उन लोगों के हम चर्चा द्वारा समझा दें, बांट दें कि लोग समझ जाए कि नहीं, जब एक ऐसा निर्धन गुरु बहना लंझारो जी के जब गुरु दया दिए हैं तो हम लोग के भी गुरु दया करेंगे। और बहुत दया करते हैं गुरु, बहुत लोगों में करोड़ों अरबों में दया नहीं करते तो लोग शिव का गुरु नहीं मानता। तो देखिए दीदी, शुरू शुरू हम अपना शिव को गुरु माने और मान करके बहुत हमारे ऊपर संकट था, बहुत संकट, पूजा पाठ अपना करने लगे गुरु के। और जब हम चर्चा में जाने लगे तो हमको लालसा लगता था कि सब कोई मंच पर चर्चा कर रहा है, हम भी मंच पर चढ़ के चर्चा करते, तो लोग गुरु भाई लोग से कहते थे कि गुरु भैया हमको भी थोड़ा मंच पर चर्चा करने का आवश्यकता दीजिए ना समय। लोग कहता था कि हाँ चलने का ढंग नहीं है, चली है चर्चा करने के लिए। वजह से रोते हुए हम बैठ जाते थे, अपने गुरु ले ही मिनती मांगते थे कि हे शिव गुरु हमको अन धन दीजिएगा चाहे मत दीजिएगा, हमको पहले ज्ञान दीजिए कि आपका चर्चा हम कर सकूं। ये बात साहब भी समझाते हैं कि जो भी पहले गुरु से ज्ञान मांगते हैं उसको बहुत ज्ञान गुरु देते हैं, जो धन मांगता है उसको धन मिलता है, जो चीज़ मांगता है मिलता है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है, जो ज्ञान मांगेगा उसी को ज्ञान मिलेगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, हम रो रो के अपने गुरु से दया मांगते थे कि हे शिव गुरु हम पर दया कर दीजिए कि हम अपने गुरु के चर्चा लोग संसार में करेंगे। एक समय का बात था गुरु भाई लोग की चर्चा करने के लिए कुछ हर भोला हर शिव हमको करने आ गया और गुरु के चर्चा हमको शुरू करने आ गया। एक गांव में गए हम चर्चा शुरू करने के लिए, चर्चा हम शुरू किए थे और हर भोला हर शिव जगह जगह महादेव सब कुछ कर दिए थे। एक गुरु भाई गए और हमको उसी पर से उठा के और नीचे कर दिए, बोले कि चर्चा के लूर करने का है ये नहीं है, चलिए चर्चा करो, उतरो 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 इस पर से उतरो। देखिए गुरु भाई गुरु अपना दिल का बात आप लोग के संसार में हम बांट रहे हैं कि अपने से नीच कोई गुरु भाई गुरु बहना का मत लगाइएगा, हाई फाई में मत जाइएगा। गुरु हाई फाई से नहीं मिलते हैं, धन से नहीं मिलते हैं, ज्ञान से प्रेम से गुरु मिलते हैं। ज्ञान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब गुरु मिलेंगे, न तो नहीं मिलेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना हमको उतार दिए गुरु भाई, हम रोते हुए मंच पर से उतर गए और कहा किए कि बिस्तर को झाड़े, मंच को झाड़े, जो बेडशीट बिछाया था उसको झाड़ के फिर से मंच लगाएं, फिर से जागरण शुरू किए। हम रोते हुए अपना घर चल आए, आ करके रात भर रोते रोते हम सुत गए कि हे प्रभु हमें कौन गलती हुआ कि हमको मंच पर से उतार दिए, आज गुरु आप हमको ज्ञान देते तो नहीं ना इंसान हमको उतारता। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, सपन में हमारे साहब आए और एक पंडित आए और एक बाबा और आए, तीन आदमी आए रंथ से उतरा। उसमें का था एक बेल के गाछी था और एक आम का गाछी था। उतरे साहब और हमारे पास गए, हमारे सिर धो के झोरे कि उठो उठो तुम रो मत, वो ना तुमको मंच से नीचे गिरा दिया, हमको तुमको इतना ऊपर भेजेंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे कि वो देख के एक दिन कुहकेगा और बिहान से तुम चर्चा में जाओ, तुमको कोई नहीं हटा सकता है, तुमको बहुत ज्ञान मिलेगा। तो भैया दीदी लोग हम यही कहते हैं कि आज गुरु हमको जब साहब ज्ञान दिए, गुरु से ज्ञान मांगे, साहब से ज्ञान मांगे, श्री नीलम दीदी से ज्ञान मांगे, तो हमको ज्ञान मिला। आज संसार में देखिए भजन गा के हम डाले हैं, इसीलिए अपना दुख सुना रहे हैं कि आप लोग किसी के हंसने से नीचे मत घसकिएगा, अपना ध्यान मत तोड़िएगा, मन धीर रहो, घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी ना कभी, लगल रहो रे भाई, बनत बनत बन जाएगा। दीदी लोग दया मांगिए, चर्चा कीजिए, गुरु से प्यार,
लगाते रहिए, संसार से प्यार लगाइए, आपको दया मिलेगा। गुरु सबको ज्ञान दिए हैं, सबको गुरु के चरण में लगल रहे। इतने कह के अपना गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम प्रणाम के स्वीकार।